आपकी सलामती चाहता हूँ। मैं सुनील गौरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया ठोकर न्यादे के एक खानदान है, इसका इसके घर को नजरअतिश कर दिया गया। मेरे साथी का आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक घर को मुकम्मल तौर पे नजरे आतिश कर दिया गया है, जला दिया गया है। इस घर की एक एक चीज को जलाया गया है, वो जलाया गया है। उसके पीछे क्या मामला थे, मामला मुतासर खानदान मेरे साथ मौजूद है। मैं चाहूंगा मेरे साथ कुछ लोग ज्वाइन करते रहें। घर की एक एक चीज जो है उसको, ये पंखा और ये पता नहीं क्या क्या अलमारी और खान पीने की सारी चीजें, जो भी मामला था यहाँ पे हर चीज उसकी तबाही फिर चुकी है। तो चाहूंगा सब दोस्तों की जुड़ते जाए मेरे साथ। सुनील साहब को आप नहीं के खाने पीने के बर्तन और सारी चीजें, मैं बात करता हूँ इस से इनके साथ क्या मुश्किल किस तरह से ये सब कुछ पेश आया। हमारी थोड़ा सा गया था क्या नहीं था, ठीक हो मेरे अफसोस से कि जो भी तड़ा नल हो गया पुट्टी तो सो मास्क ले कर लो सुबह आठ ले कंटेनर ਸਹੀ ਪੁੱਤ ਸਤਿੰਗਾ ਪਲਸ ਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸਭ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕਿਆ ਦਿਨੋਂ ਕੰਮ ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜੀ ਸਾਡੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਪੁਸਤਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਜੀ ਬਾਤ ਕਰਨ ਬਾਤ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੜਿਆ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਸੜਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਸੜਿਆ? ਬਸ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰ ਸਾਡਾ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। कितने साढ़े पर लगा था मुसलमान बीबी है उसके साथ जो ना वो काफी देर से 5 साल से पिछले मकान की जो ना वो तनाव चल रहा था सिलसिले में। आज पिछले 20 दिन से वो जब अदालत में विन किया तो अपने जिम्मे जीतने के कागजात दिए तो उसके बाद ये हादसा पेश आ गया। आगे तो उसे पूछते हैं, वो कहते हैं मैंने नहीं लगाई। तो जहरी सी बात, 5 साल से तेरे साथ तो लड़ रहे हैं केस और तू कह रही है कि मुझे पता ही नहीं है। आप घर पे होते हैं, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 3 बेटे हैं, बेटी और शादीशुदा, 2 बेटे भी शादीशुदा थे। तो अब मैंने कभी किसी के घर में बच्चे छोड़े, किसी घर में छोड़े, अब खुद हम बेटी के घर में रहने, कभी किसी के घर में कभी बेटी के घर चले जाते। यहाँ पे तो कोई चीज ही नहीं, मतलब हम बैठे खड़े हैं या खाए या पिए, खाने पीने का गुजारा कैसे चला? वो जब कभी बाजार से खा लेते हैं, कभी किसी से घर से खा लेते हैं। काम कारोबार भी जो है ना होने के बाद कुछ भी नहीं, लॉकडाउन की वजह से काम लॉकडाउन की वजह से काम नहीं, लोग तो घर में भी घुसने देते हैं काम करने के लिए, लॉकडाउन में काम भी नहीं। आपका काम करते हैं घरों में? हाँ जी। आपकी मियाँ क्या कहते हैं? मेरे मियाँ नहीं है, मेरे मियाँ को तकरीबन 25 साल हो गए हैं। तो कितनी देर से आप केस लड़ रहे हैं? 5 साल से। 6-5 साल से रेगुलर इस केस की जो ना वो पैरवी की जा रही है। कभी थाने में चली जाती है, कभी किसी में चली जाती है, तो फिर बाद उसने अदालत में केस कर दिया, अदालत में केस जीत गया। तो कुछ दिन गुजरे, महीना या 10 दिन गुजरे या 20 दिन गुजरे, हमने सामान घर में रखा, रात को सामान रख के बाहर लगा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अभी आप क्या चाहते हैं? जो हुकूमत मदद कर रही है, बहन भाई है वो मदद कर सकते हैं, वो क्या करेंगे? Thank you.
से बड़ा सानहा ये कोई रुका ही नहीं हादसा देखकर। शेर मैं बोलता हूं, जब कोई भी इस तरह का वाकया सुनने को मिलता है तो हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ कोई रुका ही नहीं हादसा देखकर। एक मजबूर माँ और उसका बेटा बेबस है और 5 साल इनका केस चला। केस के जिताने के बाद इनकी जो मुखालफत है बकौल इनके, उन्होंने इनके घर को नजर आतिश करके बर्बाद कर दिया है। दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है, परेशानी का आलम है। मैं सिर्फ एक मिनट लेना चाहूंगा और खासतौर पर मैं मेरी तवज्जो चाहूंगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये एक मतलब है और के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है कि एक मुस्लिम के साथ इनका केस किया और इसके बाद इनके साथ ये किया जा रहा है और इनको इंसाफ की जरूरत है। अदालत ने इंसाफ इंसाफ तो देती है, लेकिन अभी जो इनका नुकसान हुआ है, जो इनकी फैमिली का हुआ है, इसको इसका अदालत कौन करेगा। मैं गुजारिश करूंगा के साहब से कि ये वायलेशन है इंसानी हकूक की, मुतलका पुलिस स्टेशन को जो है ना वो आप इसको आगाह करें और जो मुसलमान हैं जिनके नॉमिनेट ये करते हैं लोग उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और उनको कानूनी तौर पे जो भी सजा बनती है वो सजा भी मिलनी चाहिए और इनके नुकसान का अदाला भी जो है हमें करना चाहिए। और जितने लोग खासतौर पर मुझे ओवरसीज पाकिस्तानी देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इस फैमिली को आपकी ज़रूरत है और जरूर है और अपना बहुत सा ख्याल रखिए।